टाइगर की दहाड़ ने तोड़ी बॉक्स ऑफिस की खामोशी। ऑल इंडिया प्रीमियर के साथ उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी दबंग खान की टाइगर जिंदा है फिल्म रिलीज हो गई है। फिल्म को मिली बम्पर ओपनिंग और दर्शकों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता तय मानी जा रही है। एक समय बड़े पर्दे पर प्यार जताने से लेकर माँ के पल्लू में छिप जाने वाले प्रेम यानी सलमान खान को करीब 18 साल पहले एक ऐसा फॉर्मूला मिला था जिस फॉर्मूले का नाम एक्शन था, जिसके बाद सलमान खान की फिल्म वॉन्टेड ने गाड़ी मारधाड़ के रास्ते दौड़ा दी तो सलमान खान कॉलर खड़ा कर सुपरहिट खान हो गए। फिर अचानक उन्हें इमोशन की धारा में बहने की तीव्र इच्छा हुई। परिणाम तारीफ में बदला मगर बॉक्स ऑफिस पर सिक्कों की खनक में नहीं उतरा। ट्यूबलाइट के फ्लॉप होने के बाद दबंग अब टाइगर जिंदा है में पर्दे पर एक्शन की दबंगई करने लौटा है। यह फिल्म सलमान की 5 साल पहले आई थी एक था टाइगर की कड़ी के रूप में, जिसमें जबरदस्त एक्शन की जहां भरमार है वहीं ढेर सारे मुल्कों की सैर, सीक्रेट मिशन एवं कैटरीना कैफ के साथ बर्फीला रोमांस भी है। बदला है तो बस निर्देशक। पिछली बार एक था टाइगर को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था और इस बार अली अब्बास जफर ने। फिल्म की कहानी इस बार एक हकीकत के साथ आगे बढ़ेगी। साल 2014 में आतंकवादी संगठन ISIS ने इराक में 46 नर्सों को बंधक बना लिया था। टाइगर पर्दे पर उनका रक्षक बनकर इनको कैसे छुड़ाएगा, इसके लिए आपको नजदीकी सिनेमा घर तक जाना होगा। ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट।